मोदी के संबोधन के बाद आज देश भर में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहला टीका मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने लगवाया। टीका लगवाने के बाद टीकाकरण कक्ष में मौजूद सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बाकी बचे सभी चयनित सदस्यों का टीकाकरण किया गया। कोटा में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 6 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया गया। 526 हेल्थ केयर को इसके लिए चयनित किया गया था। कोटा शहर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विज्ञान नगर व कुन्हाड़ी डिस्पेंसरी पर वैक्सीनेशन किया गया। वहीं ग्रामीण में मंडाना, सांगोद और सुल्तानपुर CHC पर वैक्सीनेशन किया गया। कोटा जिले में कुल 372 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा सके। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वैक्सीनेशन के बाद महिला चिकित्सक डॉक्टर प्रीति गुप्ता को चक्कर आ गए, जिनको निगरानी कक्ष में रखा गया और चिकित्सकों की टीम ने उनकी देखभाल की। कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने वैक्सीन लगवाने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली वैक्सीन मुझे लगी है। ये स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के खात्मे के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने वैक्सीन को लेकर आमजन में भ्रांतियों से दूर रहने की भी अपील की है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि पहला टीका मैंने लगवाया है और मुझे ना तो इसमें कोई दर्द हुआ, ना ही ऐसा कोई डर महसूस हुआ, और बल्कि बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश में बना हुआ टीका हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कि एफिकेसी इतनी ज़्यादा है, बहुत अच्छी एफिकेसी। लोग घबरा रहे हैं? घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। आप देखिए, कोई घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है, आपने पूरा प्रोसीजर देखा है, ऐसी कोई घबराने वाली बात। दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको इस पृथ्वी से बिल्कुल हटा दिया गया है, इराडिकेट कर दिया गया है वैक्सीन के बल पे, जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, और वैक्सीनेशन जो है ये बीमारियों से बचाव का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता तरीका है। अगर हम इलाज पे जाएं तो बहुत महंगा पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। आप वैक्सीन लगवाओ, आपकी जो बॉडी है खुद ही एंटीबायोटिक्स बनाएगी और एंटीबॉडीज अपने आप ही बीमारी से लड़ेंगी। भारत इस विषय में सबसे आगे है क्योंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोगों को टीका लगाना पड़ता है। भारत ने भी स्मॉल पॉक्स और पोलियो इराडिकेट कर दिया और बहुत सारी अन्य बीमारियों के ऊपर उनका बचाव किया बीमारियों से। कोरोना भी थोड़े दिन का ही मेहमान है क्योंकि कोरोना का टीका लगना चालू हो गया है, इसके लिए देश को और सबको बधाई। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।